अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ISCS मोंटेसरी एंड स्कूल सिस्टम वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन लेक्चर ऑफ अमेजिंग साइंस क्लास 6 लेक्चर नंबर 11। इन द प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं एंड इनके क्या फंक्शंस हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर पार्ट्स ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करते हैं कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको पूरी बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इट इज़ मेड अ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के एक पार्ट से मैसेज दूसरे पार्ट तक कैरी कर सके, ठीक है, उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके। न्यूरॉन्स एक तरह से वायर्स की तरह होती हैं, वायर्स जैसे काम करते हैं वैसे इनका भी काम होता है, जैसे एक वायर दूसरे वायर को कनेक्ट करती है, उनके दरमियान लिंक बनाती है, इसी तरह न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट के साथ लिंक करके उनका मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स भी हैं कि नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स विच हैव द एबिलिटी टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। अब ब्रेन, द ब्रेन क्या होता है, द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, हिस्सा है, एंड इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। और पूरे बॉडी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेंट्रल पॉइंट है जो कि क्या करता है, पूरी बॉडी के साथ लिंक है और पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। इट इज़ मेड ऑफ नर्वस टिश्यू विच इज होलो। ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है जो कि खोखली होती है, ठीक है, खोखली, होलो का मतलब होता है खोखली यानी खाली। इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल, कहाँ होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। इन अ बोनी बॉक्स, एक बोनी बॉक्स या स्कल क्या है कि वो हड्डियों का ढाल क्या है ना, ठीक है, बॉक्स बना हुआ है तो उसके अंदर होता है, कॉल्ड द क्रैनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, ये क्या करता है कि सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेता है एंड सेंस ऑर्डर्स टू द मसल्स, और मसल्स को फिर वो ऑर्डर सेंड करता है कि उन्होंने इस तरह से काम करना है, टू प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्सेज, कि वो फिर उस मैसेज के जो है अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स क्रिएट करें, ठीक है। ये क्या करता है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करके फिर मसल्स जो होते हैं इंसान के उनको फिर ये क्या करता है कि ऑर्डर एक तरह से देता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, वो ऑर्डर के उस ऑर्डर पे फिर वो मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उससे जो मैसेज रिसीव हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि हम लोग एक फिंगर भी है वो भी जब तक हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज कन्वे नहीं करेगा तो तब तक हम अपनी एक फिंगर भी नहीं हिला सकते। तो देखिए कि विद इन अ सेकेंड जो है वो ब्रेन जो है इतने सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है कि वो हैंडल कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को फर्स्ट टाइम आप हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, ठीक है, तो आपको जलन होती है, सो आप क्या करते हैं कि आपका हाथ एकदम पीछे खुद बहुत पीछे खींचा जाता है। अब ये नहीं कि आप सोच समझ के आप रख ही रखेंगे आप हाथ, देन आप पीछे करेंगे, वो खुद बहुत रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आप नहीं करते, वो खुद बहुत होता है। सो वो चीज़ क्या है कि वो सारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन फ़ौरन से क्या करता है कि उन तक वो मैसेज पहुंचाता है, जिसकी जब वजह से वो जो मसल्स होते हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन से उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह के बहुत सारे हादसात से बचाते हैं। सो हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से चला रहा है, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ी सी मूवमेंट भी कर रहे हैं तो वो भी हमारी ब्रेन की वजह से, कि ब्रेन जो है जब तक मैसेज नहीं करेगा जब तक वो उन तक न्यूरॉन्स की फॉर्म में मैसेज कन्वे नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि हमारे बॉडी जो पार्ट हैं वो मूव नहीं कर सकते। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये देखिए नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन है, फिर उसके बाद ये छोटी छोटी नर्व्स हैं जो हमारी सारी बॉडी में फैली हुई हैं, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ अ थिक कॉर्ड मेड ऑफ नर्वस टिश्यू विच पास थ्रू द बैक बोन और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये क्या होता है, जो एक थिक मोटा सा कोड नुमा ठीक है, ये क्या करता है कि नर्वस टिश्यू से मिलके बना हुआ है और कहाँ से गुजरता है, थ्रू द बैक बोन, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है उधर से, आर्ट वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द टॉप, ये क्या करता है कि ब्रेन के साथ टॉप तक टॉप पे जुड़ा हुआ है। लाइक दिस, ये देखिए हमारा ब्रेन इस, ये जो हमारे हैं स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, इस तक ये जुड़ा हुआ है। And as it passes down the vertebral column, it gives off millions of branches called nerves, which carry message between the body and the central nervous system. और जैसे ये वहाँ तक पहुँचता है, किधर तक, वर्टिब्रल कॉलम तक, तो ये क्या करता है कि ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ठीक है, और जिनको हम नर्व्स कहते हैं, और फिर क्या करता है कि वहाँ से फिर हमारी पूरी बॉडी में और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वहाँ तक मैसेज कैरी करने का एक जरिया बनता है ठीक है। अब ये है, यहाँ से अब देखें, ये ऊपर ये इसके थ्रू जो है ये ब्रेन है ठीक है, ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कोड आ रहा है, स्पाइनल कोड से फिर आप देखें कि डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई हैं, डिफरेंट जो है वो नर्व्स निकली हुई, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक, हर बॉडी पार्ट में गई हुई है और हर बॉडी पार्ट तक क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। यहाँ तक हमारे स्पाइनल कोड है, यहाँ से फिर नीचे ये लोअर पोर्शन जो है बॉडी का, वहाँ भी ये नर्व्स को पहुँचा रहा है, जो कि क्या हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ब्रेन क्या करता है कि हमारी फुल जो बॉडी है उस तक वो मैसेज कन्वे करता है कि उन्होंने किस रिएक्शन पे किस तरह से रिस्पोंड करना है और किस तरह से अपना रिस्पॉन्स देना है ठीक है। नेक्स्ट है, नर्व्स आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के बहुत ज़्यादा बंडल्स होते हैं ठीक है, बंडल्स मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, विच आर कवर्ड बाय टफ कवरिंग आर शीट, जो कि वो एक मोटी सी कवरिंग से कवर हुई हुई है ठीक है, उन्हें उनसे कवर किया हुआ एक मोटी सी शीट है, जिसको हम कवरिंग भी कहते हैं, शीट भी कहते हैं। द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्राम द सेंस ऑर्गन टू द कंट्रोल नर्वस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी नर्व ठीक है, जो सेंस ऑर्गन से जो मैसेज कैरी करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं। द नर्व विच कैरी मैसेज टू द मसल्स, और जो मसल्स से मैसेज लेते हैं उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स ठीक है। वो जो मैसेज सेंस ऑर्गन से लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ठीक है, वो क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और जो दूसरे जो मसल्स तक पहुँचाते हैं वो क्या होते हैं, मोटर ऑर्गन मोटर नर्व्स होते हैं ठीक है। सेंस नर्व्स या सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनसे हम लोग सिक्स सेंसेस कर सकते हैं, जैसे कि हेयरिंग, स्मेल, टेस्टिंग, टचिंग ठीक है, ये सारे इनको हम सेंसरी, यहाँ तक जो पहुँचाते हैं उनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। और जो मसल्स हैं हमारी बॉडीज के डिफरेंट मसल्स हैं उन तक जो मैसेजेस पहुँचाती हैं जो नर्व्स, उनको हम लोग मोटर नर्व्स कहते हैं ठीक है। ये नर्व सेल की डायग्राम बताई हुई है, नर्व एंडिंग है, शीट भी बताई हुई है, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। यह था हमारा आज का टॉपिक। अब आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर न्यूरॉन्स ठीक है, व्हाट आर न्यूरॉन्स, सो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। इट की जगह आपने लिखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम is made of specialized cells called neuron, which have the ability to carry message from one part of the body to other ठीक है। फिर ब्रेन है, ब्रेन के बारे में आपने पूरा लिखना है कि व्हाट इज़ ब्रेन, राइट फंक्शन ऑफ ब्रेन, और ब्रेन में ये भी आ सकता है कि लाइट लोकेशन ऑफ ब्रेन, या व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन कहाँ लोकेटेड है। इज लोकेटेड इन द स्कल इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रैनियम ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है ब्रेन का, इट इज सी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड ऑर्डर्स टू द मसल्स टू प्रोड्यूस सूटेबल रिस्पॉन्सेज। फंक्शन ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे राइट फंक्शन ऑफ ब्रेन, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, फिर लिखेंगे राइट लोकेशन ऑफ ब्रेन, तो उसका आंसर है इट इज लोकेटेड इन द स्कल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। और लिखेंगे व्हाट इज ब्रेन, तो आप ब्रेन का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे ओके। सो ये ब्रेन के तीन क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखने हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, डिफाइन स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड आप स्टार्ट से लिखेंगे, फिर आप यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन है ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल राइट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट राइट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन से नर्व सिस्टम तक है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नर्व या व्हाट आर नर्व्स, ठीक है, व्हाट आर नर्व या डिफाइन नर्व्स. सो इसका आंसर नर्व्स आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग आर शीट, ठीक है, यहाँ तक है नर्व व्हाट आर नर्व्स का आंसर. फिर है फंक्शन ऑफ नर्व्स क्या होते हैं या फिर सेंसरी डिफरेंस बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, ठीक है, राइट डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. तो आप सेंसरी नर्व में यहाँ तक लिखेंगे या मोटर नर्व में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक तरफ सेंसरी नर्व लिखेंगे, एक तरफ मोटर नर्व लिखेंगे, सेंसरी यहाँ से यहाँ तक एंड मोटर यहाँ से यहाँ तक. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं विद आंसर एंड आल्सो मेमोराइज देम, ठीक है, आपने इनको अपने फिंगर टिप्स पे याद भी करना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन वाला, नर्वस सिस्टम वाला, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ईजी है. आप जब समझ के करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ये क्वेश्चन लिखें, इनके आंसर लिखें एंड देन आप इन्हें याद करें. ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, नर्वस सिस्टम हमारा काम किस तरह से करता है वो पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.